सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ मेडिटेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में हमने पढ़ लिया था राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्तियां, उसके बाद मंत्रिपरिषद का आकार। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे देश में ब्रिटेन की तरह हमारे देश में भी संसदात्मक शासन को अपनाया गया है। कौन से शासन को अपनाया गया है? संसदात्मक शासन को अपनाया गया है हमारे देश में भी ब्रिटिश शासन की तरह। तो संसदात्मक शासन में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के परंपरा के अनुसार वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति उसे प्रधान मंत्री नियुक्त करेगा। उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, क्या लिख दिया? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली है हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह, ब्रिटेन की तरह। तो अब देखिए, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है? तो आप बताओगे प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता, नियुक्त होता है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद की यदि हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 के तहत ये लीट में भी पूछा था 2018 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ध्यान रहे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होती है। ठीक है, तो संसदात्मक शासन होने के कारण हमारे यहाँ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को अपनाया गया। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल का मतलब है अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। क्या होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही क्या बनाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन कई बार ऐसी विशेष परिस्थिति बनती है जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में गठबंधन होते हैं, जिसे कि वर्तमान में चल रहा है यूपीए और एनडीए, सपा गठबंधन एनडीए। इस तरीके से कई सारे दल मिलकर के क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। आपको मई 96 में बात बताऊंगा कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो सबसे बड़े दल के रूप में एनडीए उभर करके आया
और एनडीए से में भी सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी भाजपा। बस भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने, लेकिन एक समय दिया कि 10 दिन के अंदर आपको बहुमत साबित करना होगा। इस तरीके से वाजपेयी जी बहुमत साबित नहीं कर सके और मात्र 13 दिन में उनकी सरकार फेल हो गई। 13 दिन के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अर्थात कई बार ऐसी स्थिति आती है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भी अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है। क्या करता है? स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति में हमने देखा हमारे यहाँ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को अपनाया गया है। कौन से? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को अपनाया गया है और इसकी परंपरा के अनुसार अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा में जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसे राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। ठीक है भाई, अगला आता है मंत्री नियुक्तियों विभागों का आवंटन। मंत्रियों की नियुक्ति एवं विभागों का आवंटन। विभागों का आवंटन मंत्री की नियुक्ति एवं विभागों का आवंटन। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब इसी के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई, संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजता है जिसे राष्ट्रपति मंजूरी देता है। क्या देता है? राष्ट्रपति मंजूरी देता है, उन्हें शपथ ग्रहण की रस्म भी अदा करवाता है। वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका मंत्रिमंडल कार्यरत है। तो इस तरीके से उसकी रस्मी अदा करवाई जाती है। सूची जब भेजी जाती है राष्ट्रपति को, तो सूची भेजने के बाद राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है। क्या करवाता है? उन्हें
शपथ दिलाता है। इन्हें मंत्री की जो सूची भेजी जाती है, अब देखिए इसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद इसको मिटा देंगे या छोड़ कर दे लेंगे इसका। तो ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इसी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। कौन? राष्ट्रपति। भाई प्रधानमंत्री जो होता है वो अन्य अपने जो मंत्री है उनकी सूची राष्ट्रपति को भेजता है, राष्ट्रपति को जो सूची प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे मंत्रियों को क्या करता है, वो शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। अगला जो आता है वो आता है मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार। भाई प्रकार का मतलब है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्रियों के प्रकार। तो देखो मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, कितने? तीन प्रकार के। नंबर एक जो मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, मंत्री। नंबर दो राज्य मंत्री। नंबर तीन जो होता है उपमंत्री होता है, क्या होता है? उपमंत्री। ठीक है, इस तरीके से मंत्री के कितने प्रकार होते हैं, मंत्रियों के तीन प्रकार होते हैं, ये हमने देखा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, क्या होते हैं भाई? तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। आप देखिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का सर्वे सर्वे सर्वा होता है। ठीक है भाई, कैबिनेट जो मंत्री होता है अपने विभाग का सर्वे सर्वा होता है, ये निर्णय लेता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का सर्वे सर्वा होता है, अध्यक्ष होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं स्वतंत्र रूप से इनके द्वारा लिए जाते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं, अब राज्य मंत्री जो दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री को बनाया जाता है, राज्य मंत्री को बना। कई बार इनको भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, कई बार राज्य मंत्री को भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। जैसे हम राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं राज्य मंत्री की, तो ममता भूपेश, उसके बाद टीकाराम जूली की राज्य मंत्री है, लेकिन इन्हें स्वतंत्र प्रभार दे रहा था। तो ये कई बार इन्हें वैसे तो राज्य मंत्री बनाए जाते हैं कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, लेकिन कई बार इनको राज्य मंत्री क्या बना दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। अब उपमंत्री होता है, उपमंत्री ये दोनों की सहायता के लिए होता है, उपमंत्री जो होता है कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों की सहायता के लिए क्या बना दिया जाता है,
उपमंत्री बना दिया जाता है। कई बार हमने देखा होगा कि कई बार वहां विरोध हो जाता है, कई बार मूर्छ जाते हैं, इसलिए मूर्छ हुए किसी भी सांसद हो या विधायक को बनाने के लिए उपमंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, उसको मंत्री बना दिया जाता है कुछ करने के लिए। तो ये दोनों की सहायता के लिए कौन सा मंत्री होता है? उपमंत्री होता है। कौन सा होता है? उपमंत्री होता है। अब देखिए राज्य स्तर के मंत्री, ये मंत्री दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, ये ध्यान रहे। ये क्या नहीं करते? कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते। कौन? राज्य मंत्री। ठीक है, कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। कौन कौन सा मंत्री? राज्य मंत्री नहीं लेता। ठीक है, इनमें कुछ को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है और वे किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। सामान्यतः इनको कैबिनेट मंत्री के साथ संबंध किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट में ये भाग नहीं लेते। मैंने पहले भी आपको बताया कि स्वतंत्र प्रभार तो होता है इनके पास, कई बार ये अपने विभाग का सर्वे सर्वा भी बना दिया जाता है। अब उपमंत्री जो होता है वो देखिए कि तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। किस कौन से दर्जे के? तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभार नहीं होते तथा मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग नहीं लेते। ये कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मैंने बताया कि मंत्री जो होते हैं कैबिनेट की बैठक में, तो राज्य मंत्री लेता, उपमंत्री तो कैसे लेगा? कैबिनेट और राज्य मंत्री की सहायता के लिए उपमंत्री बनाया जाता है, दूसरे को मनाने के लिए उपमंत्री बनाया जाता है। आपको इस तरीके से यदि आपसे कोई पूछे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे मंत्री तीन प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब एक प्रश्न बनता है, क्या राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है? तो आप बताओगे नहीं, कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री भाग नहीं लेता है। एक मंत्री परिषद होती है जिसमें सभी आते हैं, एक होता है मंत्रिमंडल जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, अब हाल ही में एक संसदीय सचिव, संसदीय सचिव, संसदीय सचिव की परंपरा प्रचलन में आई है। संसदीय सचिव बना दिया जाता है इनको, पता है कौन? संसदीय के कंपटीशन पूछा था कुछ इसमें कि संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है। देखिए यदि वहां सेंटर में है तो प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, संसदीय सचिव को। अब देखिए इसमें यही कहा गया, हाल ही के वर्षों में संसदीय सचिव नियुक्ति करने की परंपरा पनपी है, हालांकि संवैधानिक रूप में उन्हें कोई शक्ति नहीं दी जाती और न ही कोई प्रशासनिक दायित्व सौंपा जाता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करता है तथा उन्हें पद की शपथ दिलवाता है। इनका काम विभागों के मंत्रियों की संसद में सहायता करना होता है। अभी अभी हाल में क्या आ गया है, संसदीय सचिव की जो परंपरा प्रचलन में आई है, इनकी नियुक्ति ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, राज्य मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, उनको शपथ भी दिलाता है। ये हुए संसदीय सचिव। तो ये मंत्रिमंडल का आकार हो गया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री और संसदीय सचिव। क्या होता है? संसदीय सचिव। तो इस प्रकार से मंत्रियों का के प्रकार हुए, क्या हुए? मंत्रियों का प्रकार। ठीक है, अब मंत्री परिषद का आकार देखिए, अगला है
मंदिर परिषद का आकार। मंत्री परिषद का आकार आकार पहले क्या होता था कि जो कोई पूछता था उसे मंत्री बना दिया जाता था, लेकिन अब हमारे यहां एक विधेयक ला करके संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक विधेयक लाए और इसके तहत ये निश्चय कर दिया गया कि 15% लोकसभा के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं हो सकते? 15% से 91 संविधान संशोधन 91 संवैधानिक 91 संवैधानिक संशोधन जो 2000 कब आया? 3 में आया। कब आया? 91 संवैधानिक संशोधन 2003 में पारित किया, जिसे 2004 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। कभी 2004 में राष्ट्रपति ने क्या दी? से के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, नहीं बनाए जाएंगे, ये कह दिया। कुल सदस्यों के 15% अधिक नहीं हो सकते वर्तमान में। आप देखो लोकसभा 15% 545 का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। तो ये कब आया? 91 संवैधानिक संशोधन 2003 में पारित हुआ और मंजूरी मिली 2004 में राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो उसमें कह दिया गया कि कितने प्रतिशत से अधिक मंत्री कितने प्रतिशत से 15% से अधिक नहीं होंगे। राज्यों में भी ये लाया गया है और केंद्र में तो ये है ही, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो आप बताओगे 91 संवैधानिक संशोधन 2003 के अनुसार, यानी जो पारित हुआ और मंजूरी मिली 2004 के अनुसार, लोकसभा के सदस्यों के कुल सदस्य क्या लोकसभा के, उससे 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। तो ये हुआ आपका मंत्री परिषद का आकार। बाकी पढ़ेंगे कल। जुड़े रहिए हमारे जोरदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के YouTube चैनल से और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।